नमस्कार दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर कैसे होता है और प्रोस्टेट कैंसर के साइंस क्या हैं, ये दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर आदमियों में सबसे कॉमन कैंसर है। और अगर आप इसका प्रिवेंशन जान पाओगे और इसकी अर्ली डिटेक्शन जान पाओगे तो आप एक तो इसकी अर्ली डायग्नोसिस करोगे और उससे अर्ली ट्रीटमेंट करा के प्रोस्टेट कैंसर से फुली क्योर हो सकते हो। मैं डॉक्टर आशीष सभवाल, प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट और रोबोटिक सर्जन, न्यू दिल्ली इंडिया से, आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रोस्टेट कैंसर कैसे होता है और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और इसके साइंस क्या हैं। तो सबसे पहले तो प्रोस्टेट कैंसर के दो टाइप के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक तो मॉडिफाइबल और एक नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मतलब कि जो चीज़ें हम लोग बदल सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल बेटर कर सकते हैं जिससे कि कैंसर प्रिवेंट होएगा। और कई कई नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम बदल नहीं सकते। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? एक तो मेल, मतलब अगर आप आदमी हो तो उसको आप बदल नहीं सकते, आदमियों में प्रोस्टेट कैंसर कॉमन होता है। दूसरा, अफ्रीकन्स एंड अफ्रीकन अमेरिकन्स, जो ब्लैक रेस होती है अफ्रीकन्स और अफ्रीकन अमेरिकन्स, उनमें प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा कॉमन है। अब आप एक इंडियन पैदा हुए या अमेरिकन पैदा हुए या अफ्रीकन अफ्रीकन अमेरिकन पैदा हुए, वो आपके हाथ में नहीं है। और तीसरा, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब कि अगर किसी के फादर को या मदर को किसी टाइप का कैंसर है तो बेटे को आगे चल के प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। अब दो लोगों को लेंगे, एक आदमी ऐसा है जिसकी 50 साल उम्र है और उसके पेरेंट्स को कभी कैंसर नहीं हुआ, और दूसरा एक और पेशेंट लेंगे जिसकी 50 साल उम्र है और उसके फादर को प्रोस्टेट कैंसर था या मदर को ब्रेस्ट या कोलोन कैंसर था, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जिसके पेरेंट्स को कैंसर था उसको आगे चल के कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू जिसके पेरेंट्स को कैंसर नहीं था। तो ये तीन चीज़ें तो आप चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल बदल नहीं सकते। अगर आप मेल पैदा हुए तो मेल ही रहेंगे, अगर आप अफ्रीकन हैं अफ्रीकन अमेरिकन हैं तो आप अफ्रीकन अमेरिकन ही रहेंगे, और अगर आपके पेरेंट्स को कैंसर हुआ है तो वो भी आपके हाथ में नहीं है, उनको हो गया है तो हो गया है। लेकिन कुछ कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मतलब हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। 6 हेल्दी हैबिट्स हैं जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने बताया, अगर आप ये चीज़ करेंगे डाइट और लाइफस्टाइल में तो उससे कैंसर प्रिवेंट होता है। नंबर 1, रेगुलरली एक्सरसाइज करना। नंबर 2, वेट रिड्यूस रखना, ज़्यादा मोटे लोगों में कैंसर ज़्यादा कॉमन है। नंबर 3, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना कैंसर को प्रिवेंट करती है। नंबर 4, ज़्यादा फ्रूट्स कलर्ड वेजिटेबल्स जैसे लाल अंगूर या चेरीज बेरीज, ये सारी चीज़ें कैंसर को प्रिवेंट करती हैं। जो प्रोसेस्ड फूड है जैसे कि फ्राइड फूड जो मार्केट में मिलता है, टिक्का चिकन टिक्का और बारबेक्यू खाना, फ्राइड खाना, केंटकी फ्राइड चिकन, ये सारी चीज़ें जो फ्राइड खाना है, प्रोसेस्ड खाना है, जो रेडीमेड फूड्स मिलते हैं, फ्रोजन फूड्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें खाने से कैंसर ज़्यादा होता है। माइक्रोवेव में खाना रखने से कैंसर ज़्यादा होता है। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको फ़िश खानी चाहिए, चिकन खाना चाहिए। फ़िश और चिकन से कैंसर के चांसेस कम हैं और रेड मीट खाने से कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और लास्ट चीज़, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अवॉइड करिए। ड्रिंकिंग मॉडरेशन में ठीक है लेकिन स्मोकिंग, स्पेशली जो लोग रेगुलरली स्मोकिंग करते हैं और ज़्यादा सालों से कर रहे हैं, उनके बॉडी में हर टाइप का कैंसर कॉमन है। मुंह कैंसर से लेके लंग कैंसर से लेके कोलोन कैंसर से लेके प्रोस्टेट कैंसर, हर टाइप का कैंसर स्मोकर्स में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। तो आपको अगर ये रिस्क फैक्टर्स पता चल गए हैं, इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ये आपको समझना चाहिए। तो प्रोस्टेट कैंसर कभी कभी अर्ली स्टेज में बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होता है, मतलब उसके कोई साइंस या सिम्टम्स ही नहीं होते, पेशेंट नॉर्मल हो रहा होता है। लेकिन एक खून का ब्लड टेस्ट होता है, PSA। ये PSA सिंपल ब्लड टेस्ट है, 2 ml ब्लड से ये टेस्ट हो सकता है और इसकी रिपोर्ट उसी दिन आ जाती है। इस रिपोर्ट से पता चलेगा कि आपका PSA नॉर्मल रेंज में है कि बड़ा हुआ है। अगर PSA बड़ा हुआ है तो उसमें कैंसर भी हो सकता है। हमेशा कैंसर नहीं होता लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए 50 साल की उम्र के बाद हर आदमी को, चाहे सिम्टम्स होए चाहे ना होए, PSA टेस्ट करना चाहिए। उससे अगर आपको कैंसर होएगा प्रोस्टेट का, अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो जाएगा। अब कई कई सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि आपको प्रोस्टेट सिम्टम्स हो रहे हैं, ये एनलार्जमेंट के और कैंसर के दोनों के सेम सिम्टम्स हैं। एक तो इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फ्रीक्वेंसी, मतलब कि यूरिन बार बार आता है, या अर्जेंसी, मतलब कि अगर यूरिन एक बार ही लगे तो वॉशरूम में भागना पड़ता है, अगर टाइम पे ना पहुंचो तो यूरिन लीक भी कर जाते हैं कभी कभी। और कई कई ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होते हैं जैसे कि यूरिन की धार कम आती है, या यूरिन रुक रुक के आता है, कट कट के आता है, या यूरिन करने के बाद ऐसा लगता है कि पूरा खाली नहीं हुआ, पूरा अंदर रुका हुआ है, या यूरिन करने में जोर लगाना पड़ता है, या रात को बार बार उठ के जाना पड़ता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के भी होते हैं और प्रोस्टेट कैंसर के भी होते हैं। इसके अलावा कभी कभी यूरिन में ब्लड आना या कमर में दर्द होना, ये सारे भी सिम्टम्स प्रोस्टेट कैंसर के हैं।
तो अगर आपको ये भी सिम्टम्स होए तो फिर आप अपने डॉक्टर से मिलिए और उनसे PSA टेस्ट कराइए, ताकि अगर आपको कैंसर हुए तो अर्ली स्टेज पे पता चले। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे हम प्रोस्टेट कैंसर को डाइट और लाइफस्टाइल से प्रिवेंट कर सकते हैं, हम प्रोस्टेट कैंसर से बच सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रोस्टेट कैंसर सिम्टम्स हुए, आप उनको जल्दी से पहचान पाएँ और अपने डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको भी कोई ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं कि यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है, यूरिन रुक रुक के आ रहा है, या रात को उठना पड़ रहा है, यूरिन ब्लड आ रहा है, तो इसको हल्के से ना लीजिए। और अगर आपको मेरे से अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।